पिछले 8 वर्षों में कृषि क्षेत्र की उन्नति से आज देश का किसान समृद्ध और खुशहाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुआयामी प्रयासों ने न केवल किसान की आमदनी दुगनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, बल्कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा किसानों को एक बड़ी राहत भी दी है। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूँ। ये योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। ये योजना सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है और पंजीकृत किसान के आधार लिंक्ड बैंक खातों में सम्मान धनराशि आधार बेस्ड पेमेंट के जरिए सीधे जमा की जाती है। अब तक कुल 11 किस्तें दी जा चुकी हैं, जिनमें कुल 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। इस योजना से 11,35,00,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है। किसान स्वयं पीएम किसान पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर आधार और भूमि अभिलेख आदि जैसी कुछ सामान्य जानकारियां प्रदान कर पंजीकरण करा सकते हैं या अपने निकटतम CSC केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकते हैं। पीएम सम्मान निधि मारा माटे एक वक्त नहीं घणी वक्त वरदान साबित थयो छे। पीएम सम्मान निधि पोर्टल पर जईने अमे जाते मारो पंजीकरण कर्यो छे। ए साव अने सहेलू छे, छताय अमे पंजीकरण करवामां मोड़ू करी दीधुं अने अत्यार लगीन मारा एकाउंटमां 2,000 रुपयानी 7 किस्तो आवी गई छे। पीएम किसान पोर्टल के किसान कॉर्नर पर इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां एवं सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्वपंजीकरण, लाभार्थी की आवेदन स्थिति, लाभार्थी सूची, आधार आदि के रिकॉर्ड में संशोधन, पंजीकरण का स्टेटस, हेल्प डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में खेडूतों द्वारा ग्राम पंचायत में ऑनलाइन अरजी माटे जे जानकारी आपवामां आवे छे तेने ग्राम पंचायत कर्मचारी द्वारा वेरिफिकेशन करवामां आवे छे अने आ अरजीओ ग्राम पंचायतनी ग्राम सभा में मंजूर करवामां आवे छे अने त्यारबाद आ अरजीओ ऑनलाइन तालुका कक्षाना अधिकारीओ जोड़े मोकली आपवामां आवे छे। फरवरी 2019 में लॉन्च पीएम किसान योजना ने बहुत ही कम समय में किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचाने में सफलता पाई है। इस सफलता में डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत देश भर में हुए व्यापक डिजिटाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बना दिया है। सरकार की शुरू से ही प्राथमिकता रही है कि यदि कहीं भी कोई भी किसान किसी कारण से इस योजना के लाभ से वंचित है तो उसकी समस्या का निवारण कर उस तक पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचाया जाए। मेरा पीएम का किसान का छोटा सा दिक्कत था, मेरा नाम का सुधार करने के लिए मैं मेरा स्मार्टफोन से पीएम पोर्टल में गया, आधार का वेरीफाई किया, उसके बाद हम सभी दिक्कत क्लियर हो गया। 4 इंस्टॉलमेंट एक बार आया, अभी 8 इंस्टॉलमेंट हम पा रहा हूँ, इसीलिए हम बहुत खुश हूँ। किसान यदि पंजीकरण में दी गई जानकारियों में कुछ परिवर्तन कराना चाहता है तो वो प्रक्रिया भी ऑनलाइन है जो कि काफी सरल है। నేను పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యాప్ ద్వారా ఖాతాలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. నేను యాప్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి ఫార్మర్స్ కార్నర్లో నా KYC డీటెయిల్స్ కొన్ని అప్డేట్ చేసుకున్నాను. దీని ద్వారా నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఇది నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. నాకు 11వ ఇన్స్టాల్మెంట్ నా ఖాతాలో జమ అయింది. పిఎం కిసాన్ యోజన మే కిసానోకు पंजीकृत करने के लिए CSC विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर गांवों, कस्बों और ग्राम पंचायतों सहित दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर शिविरों का आयोजन भी करते हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से किसानों का EKYC करने में मदद करते हैं और अधिक से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचे इसके लिए योजना का प्रचार प्रसार करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए ग्राम सभाओं में सामाजिक ऑडिट की योजना बनाई गई है और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के डिजिटल भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। DBT के
माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी योजना पीएम किसान योजना किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। देश के अन्नदाता की खुशहाली प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का आधार है।